हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए ये प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान। देखिए शॉर्ट में है ये। यहाँ पर मैंने शुरू में मैंने देखिए यहाँ पर ये बाजू बनाई हुई है। शुरू में मैंने बॉर्डर में एक फंदा मैंने सीधा डाला और दूसरा उल्टा, ऐसे मैंने एक रो ऐसे कर ली और दूसरी रो फिर और तीसरी रो में मैंने ये डिज़ाइन रख दिया। तो देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है ये। ये इसका बैक साइड और ये फ्रंट, ये मैंने तैयार कर लिया। और देखिए ये यहाँ पर मैं डोरी डालूँगी और डोरी पे पंप अप लगाऊँगी। ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल रखा है यहाँ पे। फिर मैंने ये क्रोशिया कर लिया, यहाँ पे सिंपल रख के फिर मैंने ये क्रोशिया कर लिया। मैं आपको ये बताती हूँ मैंने ये कितने इंच पर आर्म होल गिटाया है। देखिए दस इंच बिना क्रोशिया। ये दस इंच और आधे इंच पे ये क्रोशिया हो गया। ये मैंने बिल्कुल ही फ्रंट और बैक नीचे की तरफ और यहाँ पे गले पे ये मैंने क्रोशिया किया है। ये तीरा रखा है, ये आर्म होल रखा है। इतना मैं बताती हूँ कितना आर्म होल रखा गया। ये देखिए साढ़े आठ, साढ़े आठ पे रखा गया। और यहाँ पे मैंने आठ इंच, जब ये आठ इंच रखा तो यहाँ से मैंने गटाई शुरू कर दी आठ इंच पर से। ये फुल साइज कितना है मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार जो मैंने क्रोशिया किया हुआ है नीचे साढ़े सोलह तक तैयार है ये। इसमें दोस्तों मैंने फंदे बैक साइड में मैंने 110 फंदे डाले और फ्रंट साइड में मैंने 65 फंदे डाले हैं। तो ये साइज हो गया जैसे नॉर्मल बिल्कुल ही पतली लड़की होती है उसका साइज है ये दोस्तों। और इसमें आप फंदे अपने साइज के अकॉर्डिंग ही डालना। मैं चाहती हूँ ये अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब जैसे हैवी साइज ये मीडियम साइज उसमें आप फिर भी 10 फंदे एक्स्ट्रा डालना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ये जैसे है ऐसे ही रहता है। वैसे तो मैंने ये अपने लिए बनाया था पर मेरे लिए तो ये बना नहीं क्योंकि सिंपल मैं अपने फंदे ऐसे ही डालती हूँ पर ये मेरे आया नहीं तो मैंने ये मेरी लड़की के लिए बना दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैं आप वीडियो शुरू करती हूँ ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया जो मैंने ये डाल के पहला फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे बॉर्डर बना लिया जिससे ये ऐसे पलटे ना, ऐसे गोल ना पलटे। उल्टी साइड में भी मैंने ऐसे ही बना लिया और सीधी साइड तीसरी सिलाई से मैंने ये डिज़ाइन शुरू किया। तो ये डिज़ाइन की पहली रो है, देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पहला फंदा बना लिया,
ये दूसरा फंदा बना लिया। नहीं दोस्तों, एक फंदा बना लिया। तो ये तीन फंदे हैं, तीन के मल्टीफाई में ये डिजाइन बनेगा। तो ये जो ये एक दो तीन तीसरे वाला है, ये इन दो के ऊपर से ऐसे गिराया जाएगा और फिर एक बुना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर ये जैसे हमने वहाँ पर एक घटाया था यहाँ पर एक बढ़ा लिया। ऐसे ही करते जाना है दोस्तों। तो अब ये तीन फंदे, ये वाला जाली वाला फंदा आ गया, पर जो पहली रो है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो ये वाला तीसरा फंदा है जो ये फिर गिरा देंगे दो फंदे के ऊपर से, फिर ऐसे ही एक फंदा बना लिया और ये धागा अपनी तरफ किया, फिर ये एक बना लिया, यहाँ पर जाली बन गई। जैसे एक फंदा कम किया तो यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पे ये तीन फंदे आ गए, फिर यहाँ पे ये ऐसे ही गिराया जाएगा, फिर ये बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर ये, फिर वापस तीन हो गए। ये रो ऐसे ही तैयार होगी। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर बैक साइड में दोस्तों सारी रो उल्टी उल्टी, सारे फंदे उल्टे उल्टे होंगे ऐसे। दोस्तों ये मैं बाजू बना रही हूँ, देखिए उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी। तो मैं आपको ये रो भी बनाकर और उल्टी रो बनाकर फिर मैं तीसरी रो के बारे में बताऊंगी कैसे करना है। तो देखिए ये मैंने सीधी रो बुन ली थी और फिर उल्टी, सारी उल्टी उल्टी। तो अब मैं ये तीसरी रो पे आ गई, इस डिज़ाइन का तीसरी रो। तो देखिए ये फंदा बना लिया एक, जैसे यहाँ एक हो या दो हो, जब भी ये जाली, ये वाला, ये जाली वाला फंदा आएगा उससे पहले जितने फंदे होंगे यहाँ पे वो बुनाए जाएंगे। जैसे मेरे पास ये तीन फंदे हैं, तीन फंदे बना लिए, ये जाली वाला आ गया इस तरफ, फिर जाली वाला, ये जाली वाला इस तरफ रह के जाली वाला सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद ये दो फंदे होंगे। तो ये वाला तीसरा फंदा इसके ऊपर से गिराया जाएगा और आगे हर सिलाई में ये ही रिपीट होता चला जाएगा। देखिए ये फंदा अपनी तरफ, धागा अपनी तरफ किया और ये जाली बना ली। फिर देखिए दोस्तों फिर जाली वाला फंदा आ गया, ये वाला। तो फिर हमें ये तीसरा फंदा फिर इन दो फंदे के ऊपर से गिराना है। देखिए फिर यहाँ पे ऐसे, मैं आराम आराम से बता रही हूँ आपको, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखिए फिर जाली वाला फंदा आ गया, फिर ये तीसरा, ये जाली वाला फंदा इस तरफ है, ये तीन फंदे रहेंगे, तीन फंदों का डिज़ाइन है ये। तो ये यहाँ गिराया जाएगा, फिर यहाँ ऐसे। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको कि उस परमात्मा का नाम लेना ना भूलें, उसका सिमरन करना ना भूलें, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, उस आप उस परमात्मा का, उस प्रभु का नाम जपते रहें, उनका सिमरन करते रहें, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। एक बार करके तो देखिए, ये देख, ये जाली वाला फंदा आ गया, फिर ये वाला। तो ये रो भी ऐसे ही बनेगी और जो उल्टी रो, हर बार उल्टी रो उल्टी ही बनेगी और सीधी रो में ऐसे ही चलता रहेगा ये डिज़ाइन आगे, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ये मेरी बाजू कंप्लीट नहीं हो जाती, ये डिज़ाइन ऐसे ही चलता रहेगा।
बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल और सोबर सा डिज़ाइन, बहुत प्यारा डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको कि ये सारा समझ आ गया होगा। और एक बात और, अगर आप जैसे आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फंदे डालते हो, इस उससे 10 फंदे एक्स्ट्रा डालना इस डिज़ाइन में, क्योंकि इस डिज़ाइन में एक्स्ट्रा फंदे डालोगे फिर आपका बिल्कुल ही सही डिज़ाइन सही बैठेगा ये। तो थैंक यू दोस्तों।